हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रेस्पिरेशन के पार्ट टू में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए, हम लोग एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कॉल्ड ब्रीथिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड द ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग बेसिकली एयर का एक पाथवे होता है। इसमें जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो नॉस्टिल्स के थ्रू नेजल कैविटी में पहुंचती है, नेजल कैविटी से फिर वो माउथ कैविटी में पहुंचती है, माउथ से फिर वो फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से फिर वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स से होते हुए वो ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया भी एक तरीके से उसमें कुछ सी टाइप्स की कार्टिलेज होती है जो कि ट्रेकिया को कॉलेप्स होने से बचाती है। ट्रेकिया फर्दर लंग्स में एंटर होती है और लंग्स में जाके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द लंग्स। ब्रोंकाई अगेन आगे जाके फिर से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स आगे जाके एक टर्मिनल सैक के रूप में या एक समथिंग लाइक इरेगुलर सैक जैसा होता है, वहां पे जाके खुलती है और उसको बोलते हैं हम एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलर सैक होता है इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज बेसिकली आर्टरीज और वेन के बीच का एक जंक्शन होता है। आर्टरीज आर्टरियोल्स में बदलते हुए कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर कैपिलरीज फिर से आगे जाते हुए वेन्यूल्स में होते हुए वेन्स में बदल जाती है। तो इस तरीके से ये एक जंक्शन का काम करती है आर्टरीज और वेन के बीच में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। ये दो तरीके से होता है। इसमें बेसिकली गैसेस एक्सचेंज होते हैं और वो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो दो साइड्स पे होते हैं, एक तो लंग्स की साइड पे और दूसरा सेल की साइड पे। लंग्स की साइड पे गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है और सेल की साइड पर भी वो डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है। तो लेट अस टॉक अबाउट डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन बेसिकली गैसियस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि जहां पे गैस के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वो उस तरफ मूव करेंगे जहां पे गैस के पार्टिकल्स कम हो गए। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन बेसिकली ये होता है। नाउ लंग्स पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है? देखिए, एल्वियोलाई के चारों तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन के बीच का एक जंक्शन है। तो हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ भेजती है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है? हमारी बॉडी में दो तरीके के ब्लड्स होते हैं, एक ब्लू ब्लड और एक रेड ब्लड। ब्लू ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम ब्लू ब्लड बोलते हैं, और रेड ब्लड हम उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, नहीं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम रेड ब्लड बोलते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लू ब्लड एल्वियोलाई की तरफ आता है, आर्टरी से आर्टियोल्स, आर्टियोल से फिर वो कैपिलरीज में आता है। इस ब्लड में देखिए ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल की थी पहले, तो वो ऑक्सीजन तो एल्वियोलाई के अंदर उसकी तो कंसंट्रेशन पहले से ही बढ़ गई थी, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो एल्वियोलाई में बढ़ी हुई है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लू ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है। तो अब डिफ्यूजन होगा यहां पे डिफ्यूजन कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से होते हुए एल्वियोलाई में एंटर करेगी। इस तरीके से यहां से ये ब्लू ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, यहां से ये एंटर कर रही है कैपिलरीज में, और अब यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये इनहेल होना, ये एक्सहेल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में पहले से ज्यादा थी क्योंकि ऑक्सीजन ही अंदर आ रही थी एयर के थ्रू। यहां से ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड के अंदर क्योंकि ब्लू ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन तो कम है।
तो अब जैसे ही ये एंटर करेगी तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाने की ज्यादा, तो ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे ब्लड का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और वो रेड कलर में बदल जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एंटर करती है ब्लड में और ब्लड का कलर रेड हो जाता है, और फिर ये ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट की तरफ जाता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन पे जाता है। तो इस तरीके से लंग्स के साइड पे ये डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। नाउ कम टू द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एट द साइट ऑफ सेल। सेल के ऊपर कैसे होता है? देखिए, सेल में क्या होता है, जो आर्टरीज हमने बताई थी कि हार्ट से ब्लड को ब्लू रेड ब्लड को लेते हुए सारे सेल्स की तरफ आती है, तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा। और हमने पहले पढ़ा था कि इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो अब ब्लड से जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करती है सेल के अंदर। सेल के अंदर एंटर करेगी, वहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी ब्लड के अंदर, और इस तरीके से यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा वो भी डिफ्यूजन के थ्रू, और फिर ये ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में चला जाएगा, हार्ट से फिर वापस लंग्स में जाएगा, और ये इस तरीके से ये साइकिल पूरा चलता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एट द साइट ऑफ लंग्स एंड सेल। थैंक यू।